एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में जो काना होती है उसको होश आ जाता है और वो अपने बड़े भाई शू को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि काना ने पूरे एयरपोर्ट को तबाह कर दिया होता है, जो कि हर एक न्यूज चैनल में भी दिखाया जा रहा होता है। और ये सब कुछ प्रेसिडेंट का पोता मिखाइल देखकर तो बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाता है। वही दूसरी तरफ एंटी डीमन ब्यूरो के चीफ आयनो के मॉम से मिलने के लिए जेल में आते हैं और आयनो की मॉम बोलती है कि मैं पुलिस की कुछ भी मदद नहीं करने वाली, तो मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है। जो सुनने के बाद चीफ बोलते हैं ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ट्रबल में है वो मैं हूँ। तो फिर आयनो की मॉम बोलने लगती है तो बाकी कंपनीज को क्या हुआ, क्या वो सब कंपनी अब उस लड़के के लिए काम नहीं कर रहे हैं? चीफ बोलता है मैंने उन सभी कंपनी को कांटेक्ट किया लेकिन उनमें से एक भी कंपनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जो सुनने के बाद आयनो की मॉम बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। चीफ बोलता है लगता है यही अब हमारा पहला और आखिरी एस क्लास का डिमांड है जिससे कि अब हम लड़ने वाले हैं। इसके बाद हम प्रेसिडेंट को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशानी में होते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं होता फिर भी उनको जनता को क्लैरिफाई करना होता है। वही साइड में हम लिनफा और उसकी बड़ी बहन को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और वो लोग आपस में ही डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा चीज संभालेगा और ये लोग इस सिटी को बर्बाद नहीं होने दे सकते। देन अगले सीन में हम शू और किसारा को हॉस्पिटल के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर शू को अपनी पिछली सभी मेमोरीज याद आ जाता है और वही किसारा जो होती है वो अपनी पिछली सभी मेमोरीज भूल जाती है, जिस वजह से दोनों ही काफी ज्यादा परेशानी में होते है। वही पर शू बोलता है किसारा तुमने मेरे मेमोरीज के साथ साथ तुम्हारे भी कुछ मेमोरीज दे दिए है। किसारा को तो कुछ भी याद नहीं आता और वो शू के मुंह से किसारा नाम सुनकर बोलती है क्या किसारा मेरा नाम है, जो देखकर तो शू काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि किसारा ने तो अपना खुद का नाम भी भूल गई है। दूसरी तरफ आयने की मॉम और वो चीप काना को एक स्क्रीन पर देख पा रहे होते हैं। आयनो की मॉम बोलती है काना तो अब 12 साल बाद बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। चीप आयनो की मॉम को बोलता है काना को देखकर कोई भी नॉस्टैल्जिक फील करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ठीक तभी वहाँ पर मिखाइल आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें अपनी पूरी पावर के साथ उससे लड़ना पड़ेगा, जिसमें आयनो की मॉम थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलती है मैं काना को नहीं मारूंगी और मैं इस बैटल को ऐसे लड़ूंगी कि सभी लोग जिंदा रहे। इसके बाद हम फिर से शू को देख पाते हैं जो कि पागलों की तरह रोए जा रहा होता है और बोलता है किसारा तुम एक बेवकूफ हो, तुमने सारे मेमोरीज मुझे क्यों वापस लौटाए और हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों कैंसिल कर रही। वही शू किसारा के कुछ बचपन की मेमोरीज को भी देख पाता है क्योंकि किसारा ने अपने कुछ मेमोरीज शू को दे दिया होता है और ये देखने के बाद तो शू और भी ज्यादा रोता है। फिर वो बोलता है किसारा तुम्हें क्या लगा था तुम अगर मुझे मेमोरीज को वापस लौटाओगे तो क्या मैं खुश होऊंगा, तुम्हें लगा था कि मैं रिलीफ फील करूंगा जब तुम मेरे साथ बिताए गए सारी मेमोरीज को खो दोगी। वही पर किसारा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है। तभी शू किसारा के गाल को पकड़कर बोलता है तुम एक बेवकूफ हो किसारा। किसारा बोलती है क्या मैं बेवकूफ हूँ। शू बोलता है कि नो डाउट सच में तुम एक बेवकूफ ही हो। और इसके बाद ही वो किसारा को हक कर लेता है और बोलता है मुझे अब पता चल गया कि किसारा तुम आखिर कैसे फील करती हो, लेकिन अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्योंकि तुमने अपने सारे मेमोरीज मुझे जो दे दिया है। और शू ये भी बोलता है किसारा अब मैं इस शहर से नहीं भागूंगा और इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और ये होगा हमारा एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और ये बोलने के बाद वो किसारा के सर पर एक किस कर देता है। फिर वो बोलता है तुम यहीं पर ही छिपी रहो और ये बोलने के बाद वो किसारा के डेमोनिक पॉजिस्ट ब्लेड को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर किसारा तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं है। अब अगले सीन में हम आयनो को देख पाते है जो की फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। ठीक तभी वहाँ पर शैरन भी आ जाती है और शैरन को देखकर आयनो बोलती है तो क्या तुम तैयार हो बैटल करने के लिए। शैरन बोलती है कि मैं यहाँ पर फाइट नहीं करूंगी क्योंकि सेलिस्टियल एबे के सभी शिप्स यहाँ पर आ रहे हैं फाइट करने के लिए और तुम तो फाइट सिर्फ शू के लिए कर रही हो और हम दोनों बिल्कुल अलग है। और ये बोलने के बाद शैरन वहाँ से बाइक लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम शू को देख पाते हैं जो कि किसी चीज को ऑर्डर करा होता है और वो ऑर्डर काफी तेजी से डिलीवर भी हो जाता है, जो देखकर तो शू काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
और बोलता है, तुम लोग तो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा फास्ट डिलीवर करते हो। देन अगले सीन में हम काना को देख पाते हैं जो कि बायरन सिटी के अंदर आ रही होती है, लेकिन ठीक तभी बहुत सारे टैंक उसके ऊपर फायर कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी काना को एक खरोच भी नहीं आता क्योंकि उसने अपने चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक शील्ड बना दिया होता है। इसके बाद उसके ऊपर फिर से अटैक शुरू हो जाता है, लेकिन उसका तो एक बाल को भी कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ आयना की मॉम हेडक्वार्टर के अंदर से सभी को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है। देन हम आयना को देख पाते हैं जो कि काना के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल लॉन्च कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी काना को कुछ भी नहीं होता और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर आयनो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जैसे जैसे करके आयनो उस हमले को डॉच कर देती है, वही एक जगह पर बैठकर कुछ डिमन हंटर्स उस फाइट को देख रहे होते हैं और ये लोग उस फाइट में हेल्प नहीं करते क्योंकि ये लोगों ने आपस में ही डिसाइड करा होता है कि ये लोग उस फाइट में कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद हम फिर से काना को देख पाते हैं जो कि आयनो की तरफ ही बढ़ रही होती है। वही पर आयनो भी उसकी तरफ लगातार फायर करी जा रही होती है, लेकिन उसको फिर से कुछ नहीं होता। इसके बाद काना आयनो के बहुत ज्यादा करीब आकर उसके सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक आयनो के ऊपर करने वाली होती है, लेकिन ठीक तभी शू अपने फ्लाइंग बोट से उड़ते हुए आकर आयनो को बचा लेता है और इसके अगले पल ही वो आयनो को लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है। फिर वो आयनो को सब कुछ बता देता है कि किसरा ने उसके सारी मेमोरीज को वापस कर दिया है। आयनो पूछती है, तो अब किसरा कैसी है और वो कहाँ पर है? शू बोलता है, किसरा को अब हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और फिर शू और आयनो मिलकर एक साथ एक प्लान भी बना लेते हैं। तभी आयनो बोलती है, काना क्या तुम्हारे पीछे आ रही है? लेकिन ठीक तभी वहाँ पर शैरोन आकर बोलती है कि काना शू के पीछे नहीं बल्कि आयनो के पीछे आ रही है। जो सुनने के बाद तो आयनो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तभी शैरोन बताती है, क्योंकि तुम हो वो सेकंड पर्सन जो कि काना के ब्रदर मतलब कि शू को प्यार करते हो। जो सुनने के बाद आयनो को सब कुछ समझ आ जाता है और वो बोलती है कि मतलब कि काना जेलस है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि काना और शू आपस में कनेक्टेड है, मतलब कि पिछले 12 साल से शू ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ काना ने भी देखा है। और काना अपने ब्रदर से काफी ज्यादा प्यार करती है क्योंकि वो ही अकेला बचा है उसकी फैमिली का। इसके बाद शू बोलता है, काना अभी भी बच्ची है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, उसको इमोशन क्या है ये तो पता ही नहीं है। दूसरी तरफ काना बिल्डिंग को तोड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और उसके सामने बहुत सारे टैंक्स हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर फायर करे जा रहे होते हैं, जो देखकर काना कुछ पोर्टल खोल देती है जिस वजह से कुछ डीमंस भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम फिर से वही डीमन हंटर्स को देख पाते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं और गुस्सा भी होते हैं और बोलते हैं कि क्या हमें सच में उस फाइट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? ये सिटी तो हमारा भी है, हमें इस सिटी को बचाना पड़ेगा। और ये डीमन हंटर्स ऐसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। देन अगले सीन में हम फिर से शू और आयनो और शैरोन को देख पाते हैं, जहाँ पर आयनो शैरोन से पूछती है, शैरोन तुम तो चली गई थी तो तुम वापस क्यों आए? जिसमें शैरोन बताती है कि जब मैं जा रही थी तब शू ने मुझे फोन करके माफी मांगा जिस वजह से मैं मान गई। अब अगले ही पल शू अपनी बहन काना के सामने आ जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें याद है? वही पर काना तो अपने बड़े भाई को सामने देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। शू बोलता है, तुम्हें बचाने के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया था, यहाँ तक कि मैंने एक डीमन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ताकि मैं तुमको वापस ला पाऊँ। ये सब सुनकर तो काना को कुछ अजीब सा होने लगता है और वो शू के ऊपर अटैक करने के लिए भी तैयार हो जाती है। शू बोलता है, काना अब तो मैं तुम्हें वापस लेकर ही जाऊंगा और हम दोनों फिर से एक साथ रहना शुरू करेंगे, इसलिए मुझे माफ कर देना काना क्योंकि मैं तुमको फिर से सील करने वाला हूँ। ठीक तभी शैरोन अपने सूट की मदद से काना को जकड़ लेती है और आयनो भी अपने मिसाइल की मदद से काना के ऊपर हमला कर देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर शू किसरा के ब्लेड को लेकर काना के अंदर लगाने वाला ही होता है। लेकिन तभी काना अपनी पूरी पावर की मदद से सब कुछ तोड़ के वहाँ से भाग जाती है और वो अपना वेपन भी अपना हाथ में ले लेती है। तभी शू और काना के बीच में एक घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं। शू तो काना को बहुत ही अच्छा टक्कर भी दे रहा होता है। वही साइड से आयनो और शैरोन भी काना के ऊपर लगातार अटैक करे जा रहे होते हैं। तभी काना अपने डेमोनिक पावर की मदद से शू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन शू किसरा के ब्लेड की मदद से उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर देता है। और इसके बाद काना शू के ऊपर फिर से वही अटैक कर देती है, लेकिन शू उस अटैक को भी जैसे तैसे करके डॉच कर देता है और इसके बाद वो सीधा काना के ऊपर उस ब्लेड से वार कर देता है, लेकिन काना उस बार को भी बहुत ही आसानी से रोक लेती है। तभी शैरोन और आयनो पीछे से काना के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से काना का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर शू काना के ऊपर
उस तलवार से अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी कान्ना रोने लगती है, जो देखकर शू रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कान्ना अपना पूरा पावर लगाकर शू के पेट में एक जोरदार घुसा मारती है। और ये घुसा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि शू तो बहुत ही ज्यादा नीचे जाकर गिरता है और शू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। देन अगले सीन में हम किसारा को देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल के छत के ऊपर आ जाती है और वो उनके फाइट को बहुत ही आसानी से देख पा रही होती है। तभी वो अपने हाथ में कुछ देखती है और किसारा के हाथ में लिखा होता है कि शू के ऊपर भरोसा रखना और उसके फाइट करने के लिए मदद करना। और एक किसारा ने अपने हाथ में पहले से लिख लिया था ताकि उसको थोड़ा बहुत याद रहे और वो शू को ना भूले। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 11 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।